गुड इवनिंग, आई एम अनिल अग्रवाल, फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक. सो देयर इज अ फ्लैश न्यूज. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कैंसिल CBSE 12th एग्जामिनेशन. इट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री दैट 12th बोर्ड एग्जाम विल नॉट हैपन एंड द कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज पास्ड based on certain criteria that may come to know later on. Does it has any implication of bank competitions or other competitions? The tone and tenor for deciding this is health of students. That means the competitive examinations will happen as and when the authorities will feel that conditions are conducive to conduct the exam, which takes care of health of students. So the fear in some of the people that the SBI may declare the exam dates any time in the month of June is now unfounded. I think as far as June is concerned, decision is already taken and you can remain at peace and look forward for competitive examinations from July onwards if conditions improves. So you should do your work, remain exam ready and wait for developments to happen. But shed the fear, which I am finding from the comments of some people, that SBI may suddenly decide that exam will happen any day in June. Please don't have this unnecessary fear. Because if board examinations are cancelled only on account of health concern, competitive examination will not happen in the month of June. So focus on study. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. CBSE 12th का बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया और ये इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार हुआ है कि जब 12वीं के बच्चे बिना एग्जाम दिए पास घोषित किए जाएंगे. उसका क्या क्राइटेरिया होगा यह हमें कुछ दिनों बाद पता लगेगा. मगर इस डिसीजन के पीछे सोच क्या है? सोच है कि आज का जो माहौल है वो कंड्यूसिव नहीं है बच्चों की सेहत के साथ रिस्क लेने का. दैट मींस जो कंडीशंस प्रेवलेंट हैं वो एग्ज़ाम कराने के लिए सुविधाजनक नहीं हैं. तो क्या इसका कुछ इम्प्लीकेशन होगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पे? ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है. अब ये जो डिसीजन है भारत सरकार का कि एग्ज़ाम ना कराया जाए क्योंकि बच्चों की सेहत या बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है, यहाँ से एक इशारा क्लियर कट जाता है सभी बोर्ड्स को, सभी उन ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, कि एग्ज़ाम तभी कंडक्ट कराया जाए जब माहौल कंड्यूसिव हो एग्ज़ाम कराने के लिए. तो जो ये जो बार बार आपके कमेंट में पढ़ रहा हूँ उसमें कुछ लोगों के मन में ये धड़कन है कि अचानक SBI जाग जाएगा, जून में कोई डेट अनाउंस कर देगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, इस फियर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए. यदि SBI ने ये फैसला कर दिया है कि जून में एग्ज़ाम नहीं होंगे तो अब जो भी एग्ज़ाम होंगे जुलाई ऑनवर्ड्स ही होंगे और वो भी सब्जेक्ट टू की कंडीशन में रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट आएगी. क्योंकि CBSE के एग्ज़ाम्स को जुलाई कराने के लिए सोचा जा रहा था मगर वो भी नहीं कराए सरकार ने. तो इसका मतलब यह है कि जुलाई के एग्ज़ाम भी तभी संभव होंगे तब अगर कंडीशन में बेहतरी आएगी. ठीक है, तो ये जो अनफाउंडेड फियर है कि कभी भी एग्ज़ाम हो जाएगा, इससे बाहर निकल जाइए और मन लगा के पढ़ाई करिए. जुलाई ऑनवर्ड्स कभी भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए हमें एग्ज़ाम रेडी रहना है
और अननेसेसरी डर में नहीं जीना। एग्जाम की तैयारी करिए, निश्चिंत माइंड से करिए, क्योंकि मैंने देखा है कई कमेंट्स में लोगों ने कहा है कि हम डिस्टर्ब हो गए हैं, हमारा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, अचानक एग्जाम हो गए तो क्या होगा। इस दुविधा से बाहर निकल जाइए। अगर भारत सरकार एक 12वीं जैसे एग्जाम के लिए ये फैसला लेता है कि बिना एग्जाम किए बच्चों को पास करना है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जून के महीने में नहीं होगा, ये आप इससे सीख ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।